तो हेलो गाइज, आप लोगों का एक बार फिर से ओपीएस स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो गाइज यहां पर देख सकते हैं हमारे बीबोस के लिए यहां पर गाइज हमारी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइज यहां पर देख सकते हैं आज जो है ये ब्रेकिंग न्यूज है गाइज, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है गाइज, शॉकिंग न्यूज है। ये यहां पर देख सकते हैं बीबोस के 39 कर्मियों को किया गया कार्यमुक्त। मतलब कि यहाँ पर गैज जितने भी हमारे बीबोस, मैं ऑफिस भी गया था, तो जितने भी हमारे बीबोस में अभी पहले तो भाई जो मतलब ऐसे थे जिन्होंने बीबोस में धांधली वगैरह वो जो हुआ था, जो गलत तरीके से यहाँ पे मार्कशीट वगैरह और सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे, वैसे जो पकड़े गए थे, उन फर्जीवाड़ा किया गया था, वैसे तो उनको जो है पहले वहाँ निलंबित कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर गाइज देख सकते हैं, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं क्या इस पर बीबोस बोर्ड पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, आने वाले एग्ज़ाम पर इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे बीबोस में जितने भी स्टाफ थे ना अभी के टाइम में, प्रेजेंट में, तो सभी स्टाफ को जो यहाँ पे जो है हमारे मिस्टर आनंद किशोर सर जो अभी चेयरमैन बने बीबोस के नए नए बिहार बोर्ड के, बहुत बड़े यहाँ पे वो है अध्यक्ष है यहाँ पे गाइस, ठीक है ना। बिहार बोर्ड का पूरा मतलब पूरा सही कर दिया इन्होंने, जितने भी हमारे फर्जीवाड़ा होते थे सब, तो यहाँ पर वही सुधार चल रहा है गाइस। आनंद मिस्टर आनंद किशोर सर जो है यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने जो है कार्य मुक्त कर दिया। मतलब देखो निलंबित नहीं होता, कार्य मुक्त कर दिया। मैं सारा कुछ समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे सीधे सीधे शब्दों में नहीं लिखा गया, लेकिन मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। सीधे सीधे शब्दों में ये समझो कि जितने भी हमारे बीबोस में अभी प्रेजेंट में स्टाफ वगैरह काम कर रहे थे, यहाँ पे उनको जो यहाँ पे कार्य मुक्त कर दिया गया। यहाँ पर चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ, सभी को जो यहाँ पे कार्य मुक्त कर दिया गया। मतलब नया स्टाफ आएंगे अब जितने भी है ना, मतलब बिल्कुल ही नया क्लीन चिट बीबोस में अभी काम जो होने वाला है ना, इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा और ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी जो इसके योग्य होंगे ना, मतलब जो इसके सच में हकदार होंगे, वैकेंसीज आएंगी शायद इसमें पद के लिए निकलेगी, और इनमें जो अच्छे अच्छे आएंगे और जो क्वालिफाई करेगा उनको जो है इनमें काम करने को मौका मिलेगा, ठीक है। और इससे जो है बोर्ड में रफ्तार आएगी, और जो ये फर्जीवाड़ा कुछ भी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, जो रिजल्ट में देरी होता है, किसी का एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट बोर्ड में, किसी भी स्टूडेंट किसी भी तरह के स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होती है, तो अभी फेस करने को नहीं मिलेगा, टाइम पे होगा, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग आएंगे, अच्छे अच्छे यहाँ पे स्टाफ वगैरह आएंगे तो काम करेंगे, तो थोड़ा सा अच्छा होएगा, ठीक है ना गाइस। नए जो मतलब इनके हकदार हैं, जो मतलब मेरिट वाले लोग हैं यहाँ पे आने वाले, ठीक है गाइस। मेरे कहने का ये मतलब है, शायद मैं आपको पढ़ के बताता हूँ पूरा, ठीक है गाइस। बीबोस के 39 कर्मियों को किया गया कार्य मुक्त। यहाँ पर गाइस बिहार मुक्त विद्या शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बीबोस के 39 कर्मियों को गुरुवार को कार्य मुक्त कर दिया गया। इनका निर्णय बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित बीबोस के कार्यकारिणी समिति के बैठक में लिया गया। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड के अध्यक्ष मिस्टर आनंद किशोर सर, बहुत बड़ा नाम है ये गाइस, ठीक है ना। बिहार बोर्ड का भाई बिल्कुल ही बहुत ही इंप्रूवमेंट हो चुका है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर इस बोर्ड में भी अभी इनका दोनों के जो चेयरमैन है अध्यक्ष हमारे मिस्टर आनंद किशोर सर है। बिहार बोर्ड बीबोस यहाँ पे जितने भी है ना यही है, ठीक है, यही सारा कुछ यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इनको कुछ लगा होगा, चलिए आगे मैं पढ़ के बताता हूँ। बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार 39 पदों पर बिना किसी विज्ञापन अथवा बिना आरक्षण रोस्टर के और बिना गठित समिति के अनुशंसा पर अस्थायी रूप से दैनिक वेतन के आधार पर रखा गया था। ये जितने भी 39 यहाँ पे जो कर्मी थे हमारे, ये मतलब किसी जो एग्ज़ाम, कहने का मतलब एग्ज़ाम पास करके या फिर कोई इस तरह से नहीं, मतलब जो होता है ना एक कह सकते हैं इनको मतलब ऐसे ही मतलब रखा गया था, चलो मतलब पार्ट टाइम जो बोल सकते हो ना, चलो कमी है नहीं है कोई तो शायद। और जैसे पहले होता था ना गाइस कि टीचर सबको मतलब कोई ऐसा टीचर सब था जिनको मतलब कुछ फिक्स टाइम के लिए, बाद में उनको जो है पूरा हमेशा के लिए रख लिया गया था, मतलब कि फिक्स कर दिया गया था, ठीक है, ऐसा था। तो ये था यहाँ पर इन लोगों को, यहाँ पर जो भी है इन लोगों को ये हटा दिए गए हैं, ठीक है ना, जो भी 39 पदों पे जो भी थे, तो ये शायद टेम्परेरी थे, हाँ इसको बोल सकते हो टेम्परेरी। ये जो हमारे कर्मी थे उनको जो है जो काम कर रहे थे बीबोस में, तो उनको यहाँ पर जिन कार्य मुक्त कर दिया गया, ठीक है गाइस। मैं समझा के थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है गाइस, समझ गए ना। और यहाँ पर देखो जांच में यह पकड़ में आया और इन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया। हाँ ये देखो जांच में आया भाई, ठीक है ना, मेरे कहने का सही मतलब है यार। सीधे शब्दों में बोलो तो जैसे होता है ना कि
आ जाते हैं टेम्परेरी, तो ऐसे हैं। तो ये जांच में उन्हें पकड़ लिया मिस्टर आनंद किशोर सर ने, और सभी को जो है यहाँ पे से निष्कासित तो बोल सकते हैं, हटा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे कहने का मतलब है जितने भी वीवोस में स्टाफ थे पुराने वाले सारे जो हैं कार्यमुक्त, मतलब कि हॉलीडे हो चुकी है, छुट्टी हमेशा के लिए हो चुकी है, ठीक है गैज। नए स्टाफ आएंगे, ठीक है, कहने का सीधा सीधा है, ठीक है गैज। तो ये है थोड़ा यार, देखो यार अफसोस वाली बात तो है यार, क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या करो गैज, जो मतलब इसके हकदार है, जो नए लोग आएंगे बढ़िया से काम करेंगे मेरे अनुसार गैज, ठीक है, मेरे अनुसार क्या, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं चेयरमैन हैं उनको भाई वो बड़े हैं यार, उनकी बात ही कुछ और है, यहाँ पे वो बहुत ही अच्छे अच्छे वर्क किए हैं, तो उन पे उंगली उठाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्यकारिणी समिति के बैठक में लिया गया निर्णय अस्थायी रूप से दैनिक वेतन, इन पे इनको जो है ना दैनिक वेतन पे, मतलब गवर्नमेंट पे कर रही थी, ठीक है, दैनिक वेतन पे अभी जो है गैज इनको जो है यहाँ से कार्यमुक्त कर दिया गया है। यहाँ पर गैज और मैं बताना चाहूँगा, वीवो से सृजित पदों में कुल 95 पद हैं, इनमें कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का 60 यहाँ पे है पद है, आशुलिपिक का 12 पद है, आदेशपाल, मेरे हिसाब से यहाँ पे विवोस में जो है ना यहाँ पे निकलने वाला है, वैकेंसीज निकलने वाला है गैस, ठीक है। यहाँ पे जितने अभी ये गए हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हिसाब से 100-200 इस तरह से 300-500 जो है यहाँ पे वैकेंसीज निकलेगी इनकी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो फोटो मशीन ऑपरेटर स्वीपर गार्ड मिलाकर 13 पद शामिल है, एक साल के लिए नियुक्ति 2013 में की जानी थी, 2013 में जब 11 में वीवोस का यहाँ पे जो है वो हुआ था, गठित हुआ था वीवोस, तो वहाँ पे ये 2013 में होता है ना यार, तो यहाँ पे कि कार्य जो है संतोषप्रद होने के बाद इनकी सेवा अवधि विस्तार किया जाना था, मतलब अगर ये लोग अच्छे से कार्य करते तो उन्हें विस्तार, लेकिन यहाँ पे इनको रोक दिया गया गाइस, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, चलिए ये इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया, 39 कर्मियों को वीवोस में मान, 39 नहीं वीवोस में 39 नहीं थे तो सारे कर्मी जो पुराने वाले थे अभी वो चले गए, ठीक है। अब नए वाले जो हैं आएंगे तो इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा गाइस, कुछ दिनों के लिए इफेक्ट थोड़ा सा मिल सकता है, थोड़ा बहुत हल्का महीना दो महीना का इधर उधर थोड़ा फर्क पड़ने वाला है, लेकिन आगे जो आने वाले जो वर्तमान में फ्यूचर में जो हमारे वीवोस के जो भी है भविष्य यहाँ पे मेरे को उज्जवल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जो अच्छे अच्छे आएंगे, जो इनके हकदार होंगे और जो मेरिट वाले लोग आएंगे यहाँ पे अच्छा कार्य करेंगे गैस। मैं सीधे तौर पर आपको बता देना चाहूँगा, जानकारी दे देना चाहूँगा, कुछ दिन पहले जो है वीवोस में बहुत बड़ी धांधली हुई थी, और यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता, जो नए नए जुड़े हो तो मैं बता देना चाहूँगा जानकारी के लिए, और हमारे जो है ईओ की टीम होती है यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने छापा मारी थी पुलिस ने वीवोस के ऑफिस में, और वहाँ पे सीधे तौर पे पकड़ा गया था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का फर्जीवाड़ा किया था, मार्कशीट बनाया गया था, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, बगैर एग्ज़ाम का रिजल्ट 40,000 रुपया दे करके बनाया जा रहा था, वैसे सभी जो है उसमें बहुत सारे जो पकड़ाए थे और उनको जो है क्या कर दिया गया, या सस्पेंड कर दिया गया, और उनको जेल भी हुआ था, अभी तक शायद जेल में होंगे, ठीक है। तो ये सब हुआ था, इसी में ये सारे कुछ जो है चल रहे थे, ये मैटर अभी, ठीक है ना, ये मैटर फंसा हुआ था, और इसीलिए जो है अभी सेशन जो हमारा गाइस दिसंबर सेशन 2022 का एग्ज़ाम अभी 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 हुआ है, अभी दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में, इसी कारण एक साल से ये सब कुछ जाँच वगैरह सारा कुछ चल रहा था, तो अंतिम रूप से पूर्ण रूप से यहाँ पे सारा कुछ क्लीन हो चुका है, सभी स्टाफ यहाँ से जो पुराने वाले थे जो एकदम मुक्त नए आएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, बहुत बड़ी धांधली हुई थी न्यूज़ के अनुसार। देखो हम लोग जो है ना ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, जो जो पेपर में आते हैं, जो बोर्ड की तरफ से, जो बिहार गवर्नमेंट, जो हिंदुस्तान दैनिक, ये सारे जो है जाँच पर रखे 100% ये लोग जो पेपर में न्यूज़ आते हैं, ये बड़े बड़े पेपर हैं, न्यूज़पेपर हैं, और जो ये जो बोर्ड की तरफ से आते हैं, तो ये भाई ये जो न्यूज़ आती है ना ऑथेंटिक आती है, हम लोग जो अपने आप से कुछ बना के नहीं, हमारे चैनल पे 100% चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। पुराने वाले अगर वीडियोज़ होगा देख लेना, वहाँ पे जो है पेपर में निकला था, हिंदुस्तान दैनिक भास्कर की जो टीम है वहाँ पे जो है उन्होंने जो है एक ऐसी स्टूडेंट का जो है क्या किया था, मतलब जाँच के लिए जो वीवोस ऑफिस में बोला गया था कि हाँ कि सर एक स्टूडेंट है जिनको एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, क्या इनका मार्कशीट बन सकता है, बिल्कुल ही बन गया, और उनका रिजल्ट भी आ गया और वेबसाइट पे भी अपलोड हो गया। बताओ पुलिस वाले को ही इन्होंने 40,000 रुपया लेकर के, घूस लेकर के उनका जो है स्टूडेंट का क्या किया, एक मार्कशीट, फर्जीवाड़ा मार्कशीट, और वेबसाइट पे भी
चिंता की बात तो यहाँ पे है गाइज, बड़ी बात तो यह वेबसाइट पे भी उनका रिजल्ट जो है अपलोड कर दिया गया 40,000 रुपये में। इस तरह से जो है ना ये पूरा जो है मामला यहाँ पे एक फिल्म बन सकता है इस स्टोरी यहाँ पे, ठीक है ना, बीबोस पे कि यहाँ धांधली हो रहा था, इस तरह से ये पकड़े गए। और देखो यार गलत कार्य करोगे तो इनका अंजाम जो है गलत ही होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ठीक है ना गाइज, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से वर्क करें जो भी हैं, ठीक है, जो भी आने वाले हैं और जो हमारे स्टडी सेंटर के टीचर हैं, तो स्टूडेंट की हेल्प करें अच्छे अच्छे से, ठीक है ना। वैसे हम लोग तो यहाँ पे आए जानकारी देने के लिए, और आगे जो है बीबोस अच्छा चलेगा, ठीक है गाइज। और ये बोर्ड भी बिहार, जैसे बिहार बोर्ड में होता था ना, देखते थे ना यार टॉपर वगैरह, मतलब कैसे टॉपर होते थे पता है तुमको? हाँ, जो जिनका जो फेल वाले स्टूडेंट थे उनको टॉपर कर दिया जाता था, तो ऐसे वो सुधर चुका है, ऐसे यहाँ भी अब ये हो गया, ठीक है ना, ये यहाँ भी इम्प्रूवमेंट कर गया ना, यहाँ पे भी सारे कुछ जो है पुराने वाली चीज़ें बदल गई। तो मैंने बताया था गाइज कि आने वाला जो है यहाँ पे समय काफ़ी बेहतर होगा स्टूडेंट सबके लिए। तो मेरे कहने का मतलब है, देखो यार पहले जो ये लोग पकड़ाए थे तो बहुत बड़ा ये धांधली हुआ था, समझ गए ना गाइज, न्यूज़ में ऐसा आया था, आया क्या था, और ये 100% जो है करेक्ट था, और सभी जो है यहाँ पे वो सस्पेंड कर दिया गया था। इसी कारण जो है ना यहाँ पे बीबोस के जो भी बहुत यहाँ पे जून सेशन 2022 के बहुत सारे स्टूडेंट को जो है अभी तक मार्कशीट नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम ही नहीं दिया था, उनका जो है कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ऐसे में उनका रिजल्ट अभी तक वेरिफिकेशन पे चल रहा है, ठीक है ना। बीबोस ने जो है अभी तक जो है एग्जाम जो है दिसंबर 2022 का 10-12 का बिहार ही बोर्ड ले रही है, ठीक है ना, रोक दिया गया पूर्ण रूप से, ठीक है। लेकिन जो है अभी जो है बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष मिस्टर चेयरमैन जो है मिस्टर आनंद किशोर सर बने हैं, तो ये बहुत सुधार कर रहे हैं, ठीक है ना गाइस, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। आगे जो है आने वाले समय में जो यहाँ पे बोर्ड में भाई काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगा, जो स्टूडेंट हो जिन्होंने पढ़ाई किया अब उनको ये नहीं, बहुत सारे देखने को मिल रहे थे नौकरी करने के लिए जा रहे थे तो सर्टिफिकेट दिखा रहे थे, तो भाई बोल रहे थे कि ये सर्टिफिकेट ऐसी है फर्जीवाड़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि दिखता था ना भाई सर्टिफिकेट भी, इन लोग ऐसा एडमिट कार्ड भी जारी करते थे, लगता था फर्जी है यार। अभी देख लो बिहार बोर्ड की तरफ से बढ़िया से सारा कुछ एडमिट कार्ड मार्कशीट जितने भी हैं एकदम ओरिजिनल, लगता है कि सर चलो यार हम पढ़ाई किए हैं तो हमारी मेहनत दिख रही है, ठीक है, कोई उंगली नहीं उठा सकता, ऐसा होना चाहिए गाइस। हम इतना मेहनत करते हैं और कोई बोल दे कि इस तरह से ये फर्जी है ये वो है, तो ये चिंता की विषय होती है, ठीक है ना गाइस। तो चलिए गाइस, मेरे कहने का मतलब है इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई, इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं पड़ने वाला है आने वाले समय में, जो और टाइम पे जो कार्य जो है अच्छे से होंगे, ठीक है। और स्टूडेंट का जो है एक जैसे मैंने बताया था कुछ अभी, हाँ 2 दिन पहले तो बताया मैंने, कैलेंडर निकाला, उसी तरह से यहाँ पे भी कैलेंडर निकालेगा और सब कुछ टाइम पे होएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या होता था कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई पेपर में न्यूज़ नहीं, जैसे गुप्त बोर्ड हो, है ना, गुप्त बोर्ड बना रखा था इसको, ठीक है, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो इधर उधर, इसको देखने को नहीं मिलता भाई, इन्फॉर्मेशन ही नहीं दोगे, लोगों को जानकारी नहीं रहेगा तो कैसे जानेंगे, इसके बारे में कोई जानेगा ही नहीं तो बोलेगा ही फर्जीवाड़ा है, फर्जी है ये है, हम तो जानते नहीं। अगर सब जानने लगेंगे हाँ ये है वो है ये बोर्ड है हम जानते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यही बात है गाइस, ठीक है ना। ये हमारा फेमस हो चुका है, क्या हो चुका है, फेमस बोर्ड हो चुका है बीबोस, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, ये सारी चीजें मैंने आपको जानकारी दे दी, और आने वाले सेशन के स्टूडेंट भाई घबराओ मत, जिनका एग्जाम फॉर्म देखो दिसंबर 2023 वाले स्टूडेंट का एग्जाम फॉर्म, ठीक है ना, एग्जाम फॉर्म थोड़ा सा और यहाँ पे डेट एक्सटेंड होने वाला है, 10-15 दिन और बढ़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड शायद हो जाए मेरे अनुसार, ठीक है, वैसे हुआ नहीं है, ठीक है ना, 10 तारीख तक ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे स्टाफ वगैरह यहाँ पे हट चुके हैं। तो आप बीबोस में अगर कॉल भी कर रहे होंगे ना, जो हमारा कॉल है हेल्पलाइन नंबर है उस पर नहीं लग रहा होगा, वो लोग नहीं उठा रहे क्योंकि यहाँ पे सारे स्टाफ को जो है हटा दिए गए, नए आएंगे तभी तो यहाँ पे कॉल आपका रिसीव होगा। तो ये सारी चीज़ें, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी अभी स्टूडेंट हो तो कॉल करने की जरूरत नहीं, आपका उठेगा नहीं, यहाँ पे सारे स्टाफ जो है पुराने वाले चेंज हो चुके हैं, मतलब हटा दिया गया, नए स्टाफ अभी आएंगे तो वो लोग जो है सही से करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, जिन भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स है किसी भी तरह की तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो, ठीक है। और देखो अंत में मैं बता देना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होगा, तो दिसंबर 2023 वाले स्टूडेंट का एग्जाम फॉर्म भरा रहा है, 10 तारीख तक अंतिम रूप से भर लो, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हमने बताया था 8229074021 पे जो है भर दिया जाएगा, जिनका हमने बोल रखा है और बहुत सारे स्टूडेंट का भरा गया, अगर कुछ
कुछ स्टूडेंट बच गए हैं तो वो पेशेंस बना कर रखेंगे, सभी स्टूडेंट का जो फॉर्म जो भर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत, हमारे चैनल पे हमारे द्वार पे जो जो भी आते हैं उनका जो हम लोग कल्याण कर देते हैं, समझ गए ना। तो घबराओ मत, स्थिरता बना के रखो। और जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म का सेक्शन नहीं खुल रहा है तो वो हमको 8229074021 पे करें, मैसेज करें, हम उनका एग्जाम फॉर्म जो है भर देंगे। जितना चार्ज लगेगा उतना ही कोई एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आप निफिक्र होकर 8229074, चले मैं अच्छा से लिख देता हूँ, 8229074021 पे आप मैसेज कर सकते हैं और आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया जाएगा, ठीक है। देखो एग्ज़ाम जो है ना, अभी सेशन लेट नहीं होगा, जल्द से जल्द करवाने की कोशिश की जाएगी। जनवरी में जैसे मैंने बोल रखा है, जून 2023 दिसंबर 2023 का जो है अभी डम्मी एडमिट कार्ड आएगा, तो घबराओ मत। जो ये पुराने वाले गए तो नए वाले आएंगे तो और तेज़ी से काम होएगा, ठीक है ना। आपका रिजल्ट एडमिट कार्ड और बढ़िया से, देखो बिहार बोर्ड क्या करता है भाई, 20 दिन में रिजल्ट देता है। कैसे देता है, 17-17 20-20 लाख 40 लाख स्टूडेंट का, और ये लोग 17,000 स्टूडेंट का रिजल्ट का 10 महीना लगाते, तो ऐसा नहीं होगा। आपका रिजल्ट जो है ना 10 दिन में आ जाएगा, समझ गए ना। ये सारी चीज़ें आने वाले समय में, ओके गाइस। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, करते रहो अपने एग्ज़ाम की तैयारी, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आने वाले समय में आपका जो है ये सारा कुछ जो है बेहतर होने वाला है, समझ गए। तो प्रिपरेशन करो, सोचने की जरूरत नहीं, अपने पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो, हमारे चैनल के साथ बने रहो, नई नई अपडेट दे देंगे। कोई दिक्कत होती है तो जाकर के कमेंट्स करो, ओके करते हैं गाइज। उम्मीद करते हैं गाइज आपको सारी जानकारी मिली हो, मिल गई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मेरे को जानकारी समझाना पड़ रहा है स्टूडेंट सबको, ठीक है, क्योंकि घबरा जाते हैं यार, नए नए स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो समझ गए गाइज, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, ठीक है, एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है। और दिसंबर सेशन 2022 का रिजल्ट इस मंथ के लास्ट में आ जाने वाला है, ठीक है ना। तो दिल थाम के बैठो, रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार है, मुझे पता है, मैं आपको डाउनलोड करके बताऊंगा, कुछ ही दिनों में जारी होने वाला है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहेंगे, मिलेंगे फिर एक नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।